नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। जन सम्मान पार्टी ने रीवा के कलेक्ट्रेट गेट पर बाबा साहब और बिरसा मुंडा को याद किया, वित्त मंत्री के नाम अपना 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा, साथ ही तत्काल मांग पूरी करने की बात कही। जन सम्मान पार्टी ने रीवा के कलेक्ट्रेट गेट पर बाबा साहब और बिरसा मुंडा को याद किया, वित्त मंत्री के नाम अपना 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा, साथ ही तत्काल मांग पूरी करने की बात कही। जन सम्मान पार्टी चाहती है वित्त मंत्री जनसंख्या के आधार पर बजट पेश करें, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, गरीब, मजदूर परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बजट में सुविधा देने की मांग भी करते हैं। इसी तरीके से उनकी 15 मांगे थी जिनको वो चाहते हैं तत्काल ही यहाँ के वित्त मंत्री, देश के वित्त मंत्री, उनके हित में, दलित आदिवासियों के हित में उनकी मांग को पूरी करें। सुनिए जब हमने उनसे बात की तो उनका क्या कुछ कहना था। ये आज आप लोग कलेक्ट्रेट के बाहर बाबा साहब और बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्यों? 15 तारीख को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन था, हम लोग कुछ कारणवश नहीं मना पाए थे, तो आज हम लोग पखवाड़ा बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने आए थे और साथ ही वित्त मंत्री महोदय जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे उनके नाम से, माननीय कलेक्टर महोदय जी को। जो बजट का पैसा है, वो बजट का पैसा आज कई वर्षों से लागू हो रहा है और कई वर्षों से आ रहा है, पर हम दलित आदिवासी उनके गांव तक वो विकास के पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही हम लोग इस सारे मतदाता हम लोग इस नाम से वोट देते हैं कि जो भी बजट सरकार बनाएगी शिक्षा का, रोजगार का, वो बजट जनसंख्या के आधार पर या आर्थिक कमजोरी के आधार पर हम लोगों को दिया जाएगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग रीवा से हैं और हुजूर तहसील, सिरमौर तहसील, गुड़ तहसील, मतलब दो दो दस लोग, मतलब हर विधानसभा से हम लोग आए हुए हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम छोटू कोले, जन सम्मान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।